हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, जिनकी अभी हाल में ही मौत हुई है। तो फ्रेंड्स, आज हम उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, वो कब पैदा हुए थे, उनकी कैसे पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, और वो कैसे हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने कब पॉलिटिक्स स्टार्ट की, कितनी बार वो लोकसभा के मेंबर बने, क्या उनके लाइफ में उतार चढ़ाव आए। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें राजा वीरभद्र सिंह के बारे में, तो राजा वीरभद्र सिंह जी का जो जन्म, सबसे पहले ये पूछ लिया जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में, इनका जन्म कब हुआ था। डेट आपको याद रखनी है, ये 23 जून 1934, 23 जून 1934 को जो है राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म हुआ था। ये हुआ था सरहान में। ये जो सरहान थी उस टाइम पे बुशहर रियासत के अंदर आती थी, रामपुर बुशहर। सो आपको ये याद रखना है, राजा वीरभद्र सिंह जी जो थे वो अपनी पीढ़ी के 131वें वंशज थे। ये जो इनकी पीढ़ी थी, इनके जो पिताजी का नाम था, उनके पिताजी का नाम जो था, ये भी याद रखना, आपने पूछ लिया जा सकता है, वो पदमदेव, जो कि लास्ट रूरल थे बुशहर रियासत के। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो थे लास्ट राजा थे कौन सी रियासत के, बुशहर के। आपको यहां से ये चीजें याद रखना है। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि इनकी माँ का नाम क्या था। इनकी माँ का जो नाम था वो था रानी शांति देवी। ये चीजें आपको इस टाइम पे याद रखनी है, क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो कोई भी चीज जो है वो एग्जाम में इस वक्त पूछी जा सकती है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो ये राजा वीरभद्र सिंह जी जो थे, ये अपने जो थे 132वें राजा थे, 132वें राजा थे ये बुशहर रियासत के। ये आपको याद रखना है, बुशहर रियासत के ये 132वें राजा थे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने शिमला हिल टॉप से ये पढ़े थे। इसके अलावा ये सेंट स्टीफन कॉलेज शिमला में ही है, वहां से इन्होंने बीए ऑनर्स करके रखी थी। उसके अलावा बाद में इन्होंने एमए वगैरह की। तो इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में एंट्री। 1962 1962 में भारत की लोकसभा के जब तीसरे इलेक्शन चल रहे थे, तो उस टाइम पे ये फर्स्ट टाइम जो है लोकसभा में इलेक्ट होकर के गए, हिमाचल से फर्स्ट टाइम जो थे ये इलेक्ट हुए लोकसभा के लिए। कब हुए थे, 1962 में हुए थे ये इलेक्ट। उस टाइम पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और ये जो बने थे उस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर बने थे ऑफ स्टील के, लो इस्पात के, जो ये उस टाइम पे मंत्री बने थे, और ये डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं इंदिरा गांधी के, ये भी आपको याद रखना है। ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है, पूछ ली जा सकती है। 1962 में फर्स्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, और ये फर्स्ट टाइम जो उस टाइम पे इलेक्शन जीते, और ये एमपी बने थे, एमपी बने थे ये शिमला से। और उसके बाद जो उस टाइम पे ये मिनिस्टर बन गए थे, इस्पात मंत्री बन गए थे, और ये डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं इंदिरा गांधी के। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वीरभद्र सिंह जी के बारे में। तो वीरभद्र सिंह जी जो थे फर्स्ट टाइम जो सीएम बने थे, वो बने थे 1983 में, 1983 में ये फर्स्ट टाइम सीएम बने थे हिमाचल के, हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे फर्स्ट टाइम। और इसके अलावा आपको जो याद रखना है, वो क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इनका रैंक कौन सा था जब ये 1983 में हिमाचल प्रदेश के सीएम बने, तो इनका जो उस टाइम पे रैंक था वो था फोर्थ रैंक। हिमाचल प्रदेश के ये चौथे मुख्यमंत्री थे, ये 6 बार तो रहे, इनसे पहले 3 मुख्यमंत्री और भी रहे थे। एक तो थे सबसे पहले वाईएस परमार थे, उसके बाद रामलाल मारकंडे आए थे, और उसके बाद शांता कुमार, और फिर बाद में ये बने थे 1983 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो थे 6 बार के मुख्यमंत्री थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना कि ये 6 टाइम जो थे, 6 टाइम सीएम ऑफ एचपी, ये हिमाचल प्रदेश के जो सीएम रहे वो 6 बार रहे। अब जो इनके ये कार्यकाल पूछ लिए जा सकते हैं कि ये कब कब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, रैंक वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके अप टू सिक्स तक। तो सबसे पहले ये 1983 में हिमाचल प्रदेश के सीएम बने, उसके बाद ये 1985 में हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1993 में हिमाचल प्रदेश के सीएम बने, 2003 2012,
ये जो थे सो फ्रेंड्स, ये 6 टाइम फर्स्ट ये ऐसे सीएम है इंडिया के जो कि 6 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं किसी स्टेट के। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, ये जो है 6 बार सीएम तो रहे, इसके अलावा अगर मैं इनकी एक और उपाधि की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये कितनी बार लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी बार ये विधायक बने। तो याद रखना 9 बार ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट हुए, असेंबली के लिए इलेक्ट हुए कितनी बार हुए पूछ लिया जा सकता है, तो 9 बार हुए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लोकसभा के लिए कितनी बार इलेक्ट होके गए ये, तो लोकसभा के लिए जो इलेक्ट होकर के गए ये 5 बार। तो आप इनका पॉलिटिकल कैरियर चेक कर सकते हो, 9 बार ये 9 x 5 भी कर सकते हो, इधर 5 x 5 25 साल, यहाँ पे 50 45, यहाँ पे 60 साल का इनका राजनीतिक जो है वो करियर रहा था। इसमें से आपको जो चीजें याद रखनी, 9 बार ये विधायक रहे हैं और 5 बार जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं भारत की लोकसभा के लिए, ये यहाँ से इलेक्ट होकर के गए थे यहाँ से। ये चीज आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। एक और चीज आपको याद रखनी है, 2017 से 2017 में जब इलेक्शन हुए तो ये अभी जो इनका रैंक था वो एमएलए थे, वीरभद्र सिंह जी जो थे एमएलए थे, ये जो अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चल रही है 13वीं, तो इसमें जो ये एमएलए थे, एमएलए ये कहाँ से थे, ये सोलन से थे। सोलन में अगर पूछ ली जाए कौन सी सीट से, तो सोलन की अर्की सीट से जो है ये एमएलए थे इस वक्त। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं जब इनकी मौत थी, मौत हुई तो ये अर्की के एज अ एमएलए थे। सो आपको ये याद रखना है। इससे पहले इन्होंने इलेक्शन जो लड़े थे वो इन्होंने लड़े हैं शिमला ग्रामीण से, जुब्बल से और रोहडू से, यहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। इसके अलावा एक और चीज मैं इनके बारे में बता देता हूँ, काफी वो न्यूज में रही थी कई टाइम पहले कि 1990 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो उस टाइम पे ये जुब्बल से इलेक्शन हार गए थे। ये इकलौता इलेक्शन है जो ये हारे थे, और ये जो हारे थे ये हारे थे रामलाल ठाकुर से। ये आपको याद रखना है, इनके कैरियर से ये भी पूछ लिया जा सकता है। 1990 की विधानसभा का जो इलेक्शन था ये जुब्बल से लड़े थे और वो इलेक्शन जो थे वो हार गए थे ये रामलाल से। ये आपको यहां से इनके बारे में याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं जो एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, थोड़ी यूनिक है, वो है हिमाचल प्रदेश राज्य कांग्रेस के प्रेसिडेंट, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट या तो फर्स्ट टाइम कब बने और टोटल कितनी बार बने हैं। तो मैं अगर टोटल बात करूं तो ये 4 टाइम जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1977 में ये कांग्रेस के फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे हिमाचल कांग्रेस के, सेकंड टाइम 1979 में, फिर जाकर के 1980 में, और लास्ट ये 2012 में भी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट थे। तो ये चीजें आपको यहां से इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कांग्रेस के बारे में। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे इनका घर है, वीरभद्र सिंह जी का घर है, वहां उस घर का नाम क्या है वो भी पूछ लिया जाता है। तो आपने ये नाम याद रखना है, होली लॉज। ये जो नाम है वीरभद्र सिंह जी घर का नाम है, वीरभद्र सिंह जी है उनके घर का नाम क्या है, तो वो आपने याद रखना है हॉली लॉज, इस नाम से जो इनका घर जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी वाइफ की, तो इनकी वाइफ कौन है, इनकी वाइफ जो है प्रतिभा सिंह है, प्रतिभा सिंह जो कि पहले एमपी थी, काफी 10 साल पहले ये एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी से थी ये। उसके बाद ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो राम स्वरूप शर्मा जो कि उनकी भी डेथ हुई है इस बार, वो एमपी थे मंडी से, अभी वहां पे इलेक्शन होना भी बाकी है, तो इनसे ये इलेक्शन हारे हैं 2014 में। तो इसके अलावा इनके 3 बच्चे हैं, इनके जो बेटे हैं उनका नाम विक्रम आदित्य सिंह है जो कि 2017 में यंगेस्ट, याद रखना है आपने कि 2017 के यंगेस्ट एमएलए जो थे हिमाचल के वो विक्रम आदित्य सिंह जी थे जो कि वीरभद्र सिंह के ही बेटे हैं। और सबसे ओल्डर की अगर मैं बात करूं तो वो खुद राजा वीरभद्र सिंह जी थे, तो ये आपको याद रखना है। और वो जो इनके बेटे एमएलए हैं वो है शिमला ग्रामीण से। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।